प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कुल 16,197.35 लाख की लागत की 71 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें 3,222.55 लाख की लागत की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 12,974.80 लाख रुपए की लागत की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित व शिलान्यास परियोजनाएं गोरखपुर शहर, पिपराइच एवं कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र की हैं। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उसमें 5,405.34 लाख रुपए की लागत से गोरखपुर में नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य भी शामिल है। लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 1.25 साल से जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त रही है और हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई लड़ा है और उस पर सफलता प्राप्त करते हुए जीवन बचाने के साथ ही लोगों की जीविका को भी बचाया है। कोरोना का सामना करते हुए प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया गया और विकास की गतिविधियां जारी रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर आप सबके सामने है और अब नया गोरखपुर आपकी पहचान है। गोरखपुर विकास की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नए गोरखपुर की छवि को बनाए रखना, विकास की सोच को बढ़ाना तथा विकास के साथ जुड़ना सभी का दायित्व है। गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी पूरा होने वाला है, जिसका लोकार्पण अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना के लक्षण दिखते ही टेस्टिंग कराएं और वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का कवच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, यहाँ कानून का राज है और यही कारण है कि आज प्रदेश में उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं। यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम लागू है और प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौरान प्रशासन द्वारा जीवन बचाने की दिशा में किए गए सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विकास की नई सोच के साथ सभी को आगे बढ़ना है। नौजवानों को सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, पुलिस सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी हेतु सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की गई है, जिसमें गरीब मेधावी युवाओं को निशुल्क विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की जा सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल खंड में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ल, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्रपाल सिंह, संगीता यादव ने संबोधित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन सादर भाव से अभिनंदन करते हैं हम आपका उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन मंच पर हो चुका है। इन सभी का हार्दिक स्वागत। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यसभा सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी का हम सभी हार्दिक स्वागत वंदन एवं प्रणाम। सर्वप्रथम मंच पर आसीन समस्त सम्मानित अतिथिगणों के स्वागत हमारे विधायक
गोरखपुर को एक विशेष तोहफा महाराज जी के नेतृत्व में थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमारे पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू युवा वाणी के कार्यकर्ताओं में और विधायक लोग सभी जानते हैं, चर्चा बहुत लंबी है। आज महाराज जी ने गोरखपुर के सटे, शहर के सटे 3 विधानसभाओं में पिपराइज, कंपियरगंज और शहर राधा मोहन जी के क्षेत्र में विकास की बहुत सारी ध्येय योजनाएं लेकर हमारे बीच में आई है, दे जाते हैं। इस बार भी भारी तोहफा लेकर के आए हैं। आपका कुछ छिपा नहीं है महाराज जी, किसानों के लिए आपने फर्टिलाइजर देकर यहाँ के किसानों का सम्मान किया है, काम आप द्वारा किया गया है और इस बहुत सारे मेडिकल कॉलेज मध्यप्रदेश पर हमने डीएम साहब को आग्रह पर हमने 23 केंद्रों का स्वीकृति के लिए बता रहे थे और महाराज जी का निर्देश है कि जल्द से जल्द बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, पूज्य महाराज की, भारत माता की। शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ महाराज को मंदिर के पीठाधीश्वर यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी 150 करोड़ रुपया का लोकार्पण होता है, कितने का हो रहा है? ऑलमोस्ट 150 करोड़ का शिलान्यास लोकार्पण आज हो रहा है। आप लोग में से किसी को गिनती भी नहीं याद होगी कितने करोड़, कितने हजार करोड़ अभी तक 4.5 साल में महाराज जी ने, किसी को गिनती याद है अभी तक कितना इन्वेस्ट हुआ है गोरखपुर में? आए हम के याद नहीं बा, बस समझ गया। ये लोग सोचते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, ऐसी पार्टी के लिए आरोप प्रत्यारोप, और ये सोच इतनी छोटी सोच की भारतीय जनता पार्टी 2022 में नहीं जीत पाएगी। एक सपना उन लोगों ने, एक गंदा सा बनाया था, बगैर कोई काम किए बर्बाद कर दिया था इस देश को, लूट लिया था इस देश को, इस प्रदेश को। क्या था ये गोरखपुर में आप भी जानते हैं, क्या था इस प्रदेश में, क्या था इस हिंदुस्तान में। ये लोग एम्स नहीं दे पाए, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए, एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाए, और उसके बाद ये लोग जीतने की उम्मीद करते हैं। गुंडई से, लूट खसोट से बर्बाद कर दिया था इस देश को, आज क्यों भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों हर जगह नारा होता है, क्यों पूज्य महाराज जी कल वापस एक इतिहास रच दिए, क्यों अब कल से पूरा प्रदेश नहीं देश बोलता 2022 में महाराज जी मुख्यमंत्री तुम्हारा बन रहे। ये उन बेवकूफों को शक था, हम लोगों को शक नहीं था महाराज जी बन रहे थे, ये हम भी जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, संगठन भी जानता है, प्रदेश का एक एक जनता, एक एक गरीब गुरबा जानता है, हर बिरादरी का वो जानता था। लेकिन ये कुछ लोग वो बिल्ली के खाब में छिछड़े कहा जाला, ओके सपना में बिल्ली के हमेशा कुछ लौकाला। अरे आप सपना देखिए, जब कोई कार किए हो आपने क्या किया कोविड काल में, कैसे महाराज जी, अगर वो 14 दिन इनको कोरोना नहीं हुआ था तो शायद वो 15 दिन वो दुखदाई नहीं बीतता, इमेजिन, क्योंकि इनको डॉक्टर ने कहा था आप हिल नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे इनका ये नेगेटिव रिपोर्ट आया, बाहर आया और जिला कंट्रोल में आया, प्रदेश कंट्रोल में आया, दौड़ने लगे, करीबन 40-50 जिला ही रगड़ दिए, पूरा पहुंच गए ना हर जगह, मास्क लगाए, ये इनकी चिंता हो गई, जैसे पिता को चिंता होती है कि मेरे बच्चे की जान खतरे में। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को अनाज, उसके बाद फ्री वैक्सीन, जहां पे दुबई में जाएंगे 3,500-4,000 रुपए में एक वैक्सीन मिलती है, या 600-800 रुपए में प्राइवेट में, बंबई में और महंगी मिलती है,
यहाँ पे आपको मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आप लोगों के लिए चिंता हो रही है, हर प्रतिनिधि एक एक अस्पताल गोद ले लिया, हमने अनुवल ले लिया, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर महाराज जी के जन्मदिन पे हम सब बांटे, अपने पास और कार्यालय पे रखा, ले क्योंकि जरूरत हुई तो ले जाया। तो ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये सोच होती जब आपके लीडरान आपके अग्रज आप जिन्हें स्वार्थ होते हैं। जैसा कि नीचे करो यार मोबाइल नीचे। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वम मोर मनोरथ स्वामी आज जिला नगरी विकास प्राधिकरण धुरा के तत्वावधान में 45 परियोजनाओं विभाग की परियोजनाएं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित सड़क योजनाओं का लोकार्पण क्षण आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सदैव आतुर रहता है। मंच पर गुरु का सानिध्य हो और उसके आशीर्वचन से हसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर महानगर इतराइज विधानसभा क्षेत्र और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, राज्यसभा के मान्य सांसद जी जयप्रकाश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री श्रीपति बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, गोरखपुर महानगर के साथ साथ पिपराइच और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए 162 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी दुनिया पिछले सवा वर्ष से 15-16 महीनों से कोरोना महामारी से त्रस्त है और इस महामारी में पूरे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। आज भी निरंतर इस पर प्रयास हो रहा है। प्रदेश में शासन प्रशासन स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय स्तर पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कार्य जितने भी वर्कर्स थे और उसमें आप सब ने भी अपने स्तर पर सेवा ही संगठन के संकल्प के साथ जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थिति में आज के समय है।
अगर हम दुनिया के अंदर या देश के अंदर के तमाम जो डाटा है उनको देखेंगे तो उसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सुरक्षित स्थिति में है। महामारी का सामना करते हुए उस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के साथ ही विकास की योजनाएं थमने न पाए, रुकने न पाए। हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। ये जो जिजीविषा थी इसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल रहा, और इसी का परिणाम है कि जब देश के अंदर बेरोजगारी की दर की बात होती है तो सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की रेट सबसे कम है, क्योंकि हर स्तर पर हम लोगों ने कोरोना का सामना करते हुए विकास की योजनाओं को थमने नहीं दिया, उसका पहिया रुकने नहीं दिया, हर एक स्तर पर गतिविधियों को संचालित किया गया, और उसी उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज हमें 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर एक बार फिर से योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आप सबके सामने यहां पर करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आप सबके सामने है। ये नया गोरखपुर आपकी एक पहचान है, याद करिए आज से 25 वर्ष पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के लोग डरते थे, लोग आपको शक की नगाह से निगाह से देखते थे, लोगों के मन में एक अजीब सी धारणा बनती थी आपके बारे में, गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर के नागरिकों के बारे में। उस छवि को तोड़ते 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 हम इस स्थिति में आए हैं। आज आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो गोरखपुर के बारे में भी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोग अच्छी धारणा रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, आपको सम्मान की निगाह से देखते हैं। ये परसेप्शन हमारा बनना चाहिए। अच्छी छवि को बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उस परिश्रम का हिस्सा बनना पड़ता है। तात्कालिक सुख दुख के और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर के कार्य करना होता है, तब परिणाम सामने आता है। आज जो छवि गोरखपुर की उभर करके सामने आई है कि गोरखपुर अब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में सामने आया है। 5 वर्ष पहले जिन्होंने गोरखपुर को देखा होगा, आज जब वो गोरखपुर में आते होंगे, गोरखपुर की सड़कों को देखते होंगे, तो वह भी चकराते होंगे कि मैं आ कहां गया। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं भटक गया हूं। इस नए गोरखपुर को इस रूप में बनाए रखना, गोरखपुर की छवि को हर एक मन मस्तिष्क में धारण कराना और लोगों की सोच को, विकास की सोच को आगे बढ़ाना, ये गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है, क्योंकि आपने दायित्व हमारे ऊपर सौंपा था, इस मंच के ऊपर सौंपा था, और हम लोगों ने, इस मंच ने जब इस दायित्व का निर्वहन किया तो उसका परिणाम आपके सामने है। लेकिन उसको सजोए रखना, जन जन तक पहुंचाना और प्रत्येक नागरिक को उस विकास के साथ जोड़ने का कार्य आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और सामूहिक जिम्मेदारी के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। मुझे याद है आज से पहले, याद करिए 2017 के पहले का क्या स्थितियां थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी का तो एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, वहां पर भी सुविधाएं नहीं थी। एक ही छत के नीचे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी मस्तिष्क ज्वर से,
कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नहीं पूछता था। हम लोग आंदोलन करते थे, बिजली नहीं मिलती थी, आंदोलन कर आंदोलन होते रहते थे, दवा नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में बदली हुई थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। कल्पना करिए, ये कोरोना महामारी अगर पिछली सरकार के समय आया होता तो क्या भयावह दृश्य होता। प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले 2014 के पहले दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर ये कोरोना महामारी आती होती क्या स्थिति होती, कल्पना थोड़ा करिए। देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ी गई। न केवल टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई गई बल्कि पीपी किट से लेकर के N95 मास्क से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के हर एक लॉजिस्टिक की सुविधा को देश के अंदर उपलब्ध करवाने और उसमें आत्मनिर्भर बनाने के बाद देश के अंदर पहली बार वैक्सीन का बनना, दो दो वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लोगों की सुरक्षा कवच के लिए उपलब्ध करवाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हुआ। और आज फ्री में वैक्सीन हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की इस लड़ाई को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, लेकिन साथ साथ विकास का पहिया भी थमने नहीं देना। लगातार वही प्रयास हो रहा है, हर एक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। नहीं तो जो छवि गोरखपुर की थी वही उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग हंसते थे बाहर, आज उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में बढ़ रही है। 2016 तक छठी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश था, यानी देश के नम के अंदर पांच राज्य ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश से अच्छी थी, और चार वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यानी अब केवल एक राज्य बचा है जिसकी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश से सुदृढ़ है, मजबूत है, बाकी सबको पीछे उत्तर प्रदेश कर चुका है। और हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को सामने रख करके कार्य योजना अपनी तैयार की है, अगले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की पहली नंबर एक की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यवसाय की सुगमता को लेकर के भी जो कार्य किए गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा कहां था उत्तर प्रदेश, जहां अपहरण होंगे, जहां उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के पहले ही उनसे चौथ वसूली किया जाता रहा होगा, जहां पर सरेआम व्यापारी और उद्योगपतियों की हत्या होती रही होगी, क्या उस प्रदेश में कोई निवेश करेगा, कभी नहीं। हम लोगों ने तो पिछले चार वर्ष के दौरान 4.5 लाख से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर करवा करके 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर उन रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा है। इसी प्रदेश में कोई नौकरी निकलती थी तो किसी खानदान का व्यक्ति वसूली में निकल जाता था, खानदान के सभी लोग निकल जाते थे, उनके लिए एक अवसर हो जाता था, कमाई का एक जरिया बन जाता था। सवा 4 लाख सरकारी नौकरी हम लोग पिछले 4.25 वर्ष के अंदर दे चुके हैं, और भाइयों बहनों किसी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी नौजवान के साथ भेदभाव हुआ हो। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की संभावना विकसित हो रही है, मिल रही है, और वह भी चाहे वह शिक्षक के रूप में हो, चाहे वह पुलिस में भर्ती का हो, चाहे विभिन्न विभागों की भर्तियों का हो, किसी भी आयोग की कार्य पद्धति पर आज के दिन पर उंगली नहीं उठाया जा सकता। लेकिन निजी क्षेत्र में भी निवेश के माध्यम से
यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेशक आना नहीं चाहता था क्योंकि सुरक्षा का माहौल नहीं था। नौकरशाही के मकड़ जाल में फाइलें उलझ करके रह जाती थी। आज ऐसा नहीं, आज तो हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है। एक जगह आप आवेदन करिए और वो अपने आप ही सारी जितने भी मामले होंगे सबका निस्तारण करते हुए व्यक्ति को केवल अंत में उसका लेटर जारी होना है, एक समय सीमा के अंदर होना है। वह जाएं अपना उद्योग लगाएं, निवेश करें और यूपी के नौजवानों को नौकरी और रोजगार दें। यही तो हो रहा है आज, और नहीं तो कोई पहले तो भय के मारे नहीं आता था। आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति देश के अंदर सबसे अच्छी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां तीसरे दिन दंगे होते थे। पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के संरक्षण में रह करके अराजकता पैदा करते थे, व्यापारी और उद्योगपतियों का अपहरण करते थे, लूट खसोट का मंजर मचाते थे, अराजकता चरम पर होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या प्रदेश की जेलों के अंदर हैं। जेल के अंदर भी अब आरामगाह नहीं उनके लिए है, जेल अपराधी के लिए जेल सरीके ही रहेंगे और जेल के रूप में आज जब उसको जेल के अंदर जाना पड़ रहा है तो आज उसको एहसास हो रहा है कि उसके कृत्यों का फल उसे प्राप्त हो रहा है। ये प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक नया वातावरण दिया गया, व्यवसाय की सुगमता के लिए उस प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाए गए, उसका परिणाम है कि आज देश के अंदर जब रैंकिंग जारी होती है तो उत्तर प्रदेश एक सम्मानजनक स्थिति में आता है। 14 नंबर से आज घटकर के वह दूसरे नंबर पर आ चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब नई रेटिंग जारी होगी उत्तर प्रदेश इसमें भी देश के अंदर नंबर एक पर होगा। विकास की योजनाएं अनुमान करिए कौन से ऐसा सेक्टर था। आज तो यहां पे मेडिकल कॉलेज भी गोरखपुर में ब्याडी मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा पूरा कोरोना का उपचार का सबसे अच्छा केंद्र वहां पे था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैं देख रहा था गोरखपुर का कोई भी परिवार फोन करता था फलाना व्यक्ति बीमार हो गया है, मेरे परिवार का फलाना व्यक्ति बीमार है, बेड्स की कोई व्यवस्था होती थी मैं जिला प्रशासन को फोन करता था कि भाई देखिए फलानी जगह से फोन आया आप तत्काल देखिए उसको। प्रशासन तत्काल 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाता था। एक सप्ताह के अंदर मैं डर के मारे फोन करता था पता नहीं क्या स्थिति होगी, वहां से आवाज आ रही मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूं, एकदम ठीक हो गया हूं। एक खुशी होती थी कि कितना अच्छा कार्य कोरोना के दौरान प्रशासन यहां पे कर रहा था। एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम, ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज जो एक बार बंदी के कगार पर जा रहा था उजाड़ हो चुका था, आज नई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ 500 बेड का वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनकर के खड़ा हुआ था, आज भी काम कर रहा है। इंसेफ्लाइटिस के उपचार का देश के अंदर सबसे अच्छा सेंटर बना है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ ही अब तो गोरखपुर में एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है। इसी वर्ष अक्टूबर तक हम लोग इसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न करवाए, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न करवाएंगे। आज देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसी नगर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। यानी कहां था आजादी के बाद गोरखपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज और 2017 के बाद गोरखपुर में एम्स भी है। ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर के भी तैयार हो गया, कार्य प्रारंभ हो चुका है। चार चार नए मेडिकल कॉलेज यहां पर और खुल रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। पहले सड़कें दिखती नहीं थी, गड्ढों में तब्दील थी, आज आवागमन आसान हुआ है। अब पहले लखनऊ को जाने के लिए बस्ती अयोध्या होते हुए हम लोग बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुंचते थे, अब तो लखनऊ के लिए हम एक नया मार्ग भी दे रहे हैं। गोरखपुर से ही आप निकलेंगे नौसर के बाद आप जाएंगे जैतपुर के पास से, आप वहां से निकल जाइए सीधे अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर होते हुए अयोध्या के बगल से होते हुए सीधे लखनऊ,
बराबर दूरी में अयोध्या गोरखपुर से लखनऊ की दो रास्ते आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वाराणसी की दूरी 6 से 7 घंटे की थी, आप देखना इस वर्ष के अंत तक 2.5 घंटे से 3 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंचने का कार्य करेंगे। पहले गोरखपुर के अंदर जाम कहां से होता था, लखनऊ से किसी को नेपाल जाना होता है तो वह गोरखपुर शहर से होते हुए जाते थे, आज कालेसर से जंगल कोड़िया के लिए सीधे एक नया बाईपास बन गया है। मोहतीपुर से लेकर के धर्मशाला बाजार होते हुए गोरखनाथ मंदिर होते हुए आप जंगल कोड़िया तक जाइए, 4 लेन का एक अच्छा हाईवे बन गया है। असुरंग से बिहारी मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज के लिए 4 लेन की पूरी सड़क, आप जाइए कभी उस सड़क पर, और उस सड़क पर जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या गोरखपुर में भी ऐसी सड़क बन सकती है क्या। यह है विकास की एक नई सोच, और इस सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। यहां के धर्मस्थलों की स्थिति आप देखिए, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर आज आपको एक नया पर्यटन केंद्र के रूप में देखने को मिलेगा, मानसरोवर मंदिर एक पर्यटन केंद्र के रूप में देखने को मिलेगा, सूरज कुंड का मंदिर एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में देखने को मिलेगा, जटाशंकर गुरुद्वारा हो या फिर मोदीपुर का गुरुद्वारा, आप जाएंगे एक नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, हरेक स्तर पर विकास होना चाहिए, हरेक स्तर पर। नौजवानों के लिए रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, और अगर वह किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की नीट की तैयारी कर रहा है, तो अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी उन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, चुनौतियों से जूझते भी रास्ता हमें बनाना होगा। कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है, बचाव के सर्वोत्तम उपाय हमें करने होंगे। हर एक व्यक्ति को टेस्ट से न भागने के लिए तैयार करना होगा, अगर कहीं लक्षण है तत्काल दवा लीजिए और अपना टेस्ट करवाइए। वैक्सीन जब बारी आती है वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, ये वैक्सीन सुरक्षा कवच देगा। हरेक स्तर पर तैयारी, हरेक स्तर पर अपने आप को तैयार करना। आज गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना प्रारंभ हुई है, मई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अन्न योजना हरेक गरीब को उपलब्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार के स्तर पर भी जून जुलाई और अगस्त में 3 महीने के लिए खाद्यान्न योजना का लाभ हरेक गरीब को उपलब्ध, हरेक नागरिक को उपलब्ध करवाने की तैयारी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा दायित्व बनता है हर जरूरतमंद को ये खाद्यान्न उपलब्ध हो। कोरोना से अगर कोई बच्चा निराशित हो गया, अनाथ हो गया है, अपने को अनाथ न माने बल्कि हम सब उसके साथ में खड़े हो। राज्य सरकार ने उसको बालिग होने तक, अपने पैरों तक खड़े होने के लिए 4,000 रुपए हर महीने उसके भरण पोषण के लिए देने की व्यवस्था की। पीएम केयर से भी एक व्यवस्था दी गई है कि जैसे वह बालिग होगा, एक 10 लाख की एक पूंजी उस नौजवान को दी जाएगी जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कोई बालिका अगर अनाथ हो गई है कोरोना कालखंड में, उसकी शादी के लिए राज्य सरकार 1,01,000 रुपए उपलब्ध करवाएगा। कहीं कोई समस्या उसके सामने नहीं आने दी जाएगी। मां बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सामाजिक रूप से एक संबल प्रदान करना यह हमारा दायित्व है और उसके लिए हम खड़े हों। कोई महिला निराशित हो गई है, दुर्भाग्य से पति का देहांत तो हो गया है, उनका आश्रित कोरोना कालखंड में कोरोना की चपेट में आकर के किसी घटना दुर्घटना का शिकार हुआ है, हमने तत्काल कैंप लगा करके उन्हें पेंशन की योजना के साथ जोड़ने के लिए कहा है।
उनके लिए नई योजनाएं बनाने का कार्य हो रहा है कि उनको हम रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ सके। आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, रसोईया है, वीसी सखी है, गांव में सामुदायिक शौचालयों की देखभाल की व्यवस्था के लिए या गांव में महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ जोड़ करके उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास, इसके लिए बहुत ठोस योजना के साथ हम लोग बहुत शीघ्र आने वाले हैं, जिससे कोई भी अपने को असहाय महसूस न करे। सरकार उनके साथ में खड़ी है, हर एक सुख दुख के साथी सरकार होनी चाहिए और सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेगी। और आज उसी विश्वास के साथ हम सबका दायित्व बनता है कि हम हर उन दीन दुखियों के साथ खड़े हों जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने स्वजनों को खोया है, उन्हें हर प्रकार का संबल बनवाएं, शासन की योजनाओं से जुड़े, विकास की योजनाओं का लाभ दें। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने थर्ड वेव को आने के पहले ही नियंत्रित करने के लिए मेडिसिन किट गांव गांव में वितरण करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। हमारी निगरानी समितियां गांव गांव में जाकर के इस दवा का वितरण कर रही हैं। अभी से शुरू हो चुका है, 27 जून से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक स्तर पर प्रारंभ हुई है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ जब चलेंगे तो हम कोरोना महामारी को भी रोकेंगे, लेकिन सामान्य जनजीवन को भी किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बगैर उनकी जीविका को बचाने का काम भी करेंगे। और जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो द्वंद है, इसको पूरी तरह समाप्त करते हुए हमें प्रदेश के अंदर हर नागरिक के जीवन को भी बचाना है, उसकी जीविका को भी बचाना है। एक नए उत्तर प्रदेश का यह एक नया संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज आपकी ये योजनाएं विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, नगरीय क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा नगरीय क्षेत्र में जिस वार्ड का हो वहां के पार्षद का नाम भी उसमें जरूर डालिएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि महानगर के अंदर पार्षद का नाम भी उस बोर्ड के साथ जुड़ा है, जिससे उसके वार्ड में लगेगा तो वो भी देखेगा कि हां मैं भी इस योजना के साथ सहभागी हूं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई योजना किसी गांव की है, गांव में बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल है, तो बेसिक शिक्षा स्कूल के व्यवस्था की दृष्टि से गांव के प्रधान की भूमिका है, तो गांव के प्रधान का नाम भी उस बोर्ड के साथ जुड़ जाए कि हां गांव का प्रधान ये है, और गांव के प्रधान को भी उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। निगरानी समितियों ने, जिसमें नगरीय क्षेत्र में पार्षद उसके अध्यक्ष हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान, नव निर्वाचित ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना की दूसरी लहर में तो एक बहुत अच्छा अभिनंदनीय कार्य किया है हमारी निगरानी समितियों ने, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे भी अपने अपने वार्ड की साफ सफाई से लेकर के निगरानी समिति को दिए गए दायित्वों का निर्वहन करने में आप सभी लोग कुशलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब ढेर सारी योजनाओं का, जिसमें महानगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की पिपराइज और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाएं नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सड़कों की हैं, जल निकासी से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े सड़कों के निर्माण के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से भी जुड़े हुए कुछ योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है। 162 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आयोजन के अवसर पर मैं एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के लिए,
हमारे महापौर विधायकगण माननीय सांसद और जो हमारे विधायकगण हैं इनके द्वारा पार्षद और ग्राम प्रधानों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। जनता को शुभकामनाएं देता हूं कि योजनाएं आप सबके लिए फलीभूत हों और इसका लाभ लोग लें। जो योजनाएं संपन्न हो चुकी हैं उनमें विकास की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है। जो योजनाएं अब कार्य जिन पे प्रारंभ होने वाला है उनमें विकास के मानक की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके समयबद्ध ढंग से उन्हें पूरा करने का कार्य कार्यदायी संस्थाएं करेंगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।